आज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह का 9 बज चुके हैं, मैंने जस्ट अभी उठा हूँ और यहाँ पे मामी घर ले पाए, जो कि हम लोग इस तरह से लगते हैं डेली सुबह, धूप हो या बारिश हो या गर्मी का सीजन होने दो या ठंडी का सीजन होने दो, अगर डेली सुबह ऐसा लिपना पड़ता है। जिसका मिट्टी का घर है, कच्चा घर, उनको पता होगा, तो ऐसा हम लोग भी लिपते हैं और जो उसका है वो भी ऐसे ही लिपते हैं। तो दोस्तों, मेरा जो ये पावर बैंक है ना, ये ख़राब हो गया। चार्जिंग लेता है फिर छोड़ देता। इसी चार्जर में इसमें लगा होगा ना, ये मोबाइल में, तो चार्ज नहीं लेता, छोड़ देता। अगर इसी चार्जर में दूसरा मोबाइल लगाओ तो होता है, लेकिन इसी चार्जर में अगर इलेक्ट्रिक में लगाऊँ ना तो फिर ये मोबाइल चार्ज होता। तब क्या कौन के मतलब पावर बैंक ख़राब हो या चार्जर ख़राब या मेरा मोबाइल का पिन ख़राब हो, ये तो बोल नहीं सकता। लेकिन इसीलिए दूसरा घर में जा रहा हूँ चेक करने के लिए, इसी चार्जर दूसरा चार्जर इसमें लगा के और मेरा मोबाइल लगा के देखता हूँ होता कि नहीं होता। A few moments later. तो दोस्तों, पावर बैंक तो हुआ नहीं, ख़राब हो गया, देखो बैग में लेके। और फिलहाल जा रहा हूँ मार्केट और गाड़ी पे बैठा हूँ, देखो और पैसेंजर एक भी नहीं है और ये तो सिंगल जाएगा नहीं। तो अब फिलहाल जाते देखता हो रहा है कि नहीं हो रहा, पावर बैंक भी ठीक करवाना है, उसके बाद बैंक में मेरा आधार कार्ड भी लिंक करवाना है। तो फिर चलो जाते हैं मार्केट और वहाँ जाके आप लोग को मिलते हैं। अभी तो पैसेंजर नहीं है, कब छोड़ेगा पता नहीं, फिर वहाँ जाके मिलते हैं। बारिश भी आने वाला है, छतरी भी ले लिया हमें। तो मार्केट पे आ चुका हूँ दोस्तों, देखो ये हमारा मार्केट है। तो चलो फिर मैं एक काम निपटाता हूँ और उसके बाद आप लोग से मिलता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों, अभी एक बज चुका टाइम, अभी घर जाना और कुछ सामान लिया हूँ मैं। देखो इसमें बड़ा है, ये मच्छी और ये तो भी। और पावर बैंक के लिए जो मैं आया था तो उसमें सही नहीं हुआ, एक थोड़ा बहुत ठीक हुआ और एक थोड़ा बहुत ठीक नहीं हुआ, फिर भी 50 रुपये ले लिया, कोई बात नहीं। और जो बैंक का काम था लिंक करना वो भी कर लिया। चलो फिर घर जाके आप उसे मिलते हैं। दोस्तों क्या ही बताओ, अब भी जस्ट याद आ रहा है, मैं बैंक से गया, मोबाइल से आया, लेकिन छतरी जो लेके गए तो भूल गया। जैसे कि गाड़ी से उतरा स्टेशन में तो ही याद आया छतरी नहीं यार। देखा हाथ में से प्लास्टिक का पोती वगैरह पकड़ा और छतरी नहीं है। अभी फ़ोन करके पूछा उनका, जहाँ से मैं रुका था मोबाइल शॉप में या वो जो बैंक में, वहाँ पे पूछा था फ़ोन करके, तो बोलता है यहाँ है ही नहीं। अभी कोई दूसरा लेके गया या वहाँ पे रखा या कहीं गाड़ी पे छूट गया, लेकिन जिस गाड़ी में बैठा था उस गाड़ी में तो है नहीं था। लेकिन दोनों जगह में कहीं ना कहीं रखा था मैं, ठीक है, लेकिन कोई निकल दिया होगा, लेकिन बोल रहा है अभी नहीं है, फ़ोन करके पूछ रहा हूँ। अभी घर में जा रहा हूँ, देखता हूँ मम्मी चिल्ला रहे, क्योंकि घर में एक ही छतरी था हमारा, बाहर जाने के लिए बारिश के टाइम बहुत प्रॉब्लम था। फिर जाता है मम्मी क्या बोलते, देखता हूँ। वैसे गाली तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि छत्र हमारा रिवाज में बोलते हैं छतरी और जो चद्दर गमछा होता है ना, वो खो देना अच्छा बात नहीं है, अपशगुन होता है बोलते। तो चलो देखते हैं क्या होता है। मम्मी ने इतना गाली दिया ना कि बोलो जो चीज़ लेके जाकर संभाल नहीं सकते तो लेके क्यों जाते हो। और तो मेरा ही मिस्टेक है, मैं लेके गया लेकिन भूल गया। लेकिन एक्चुअली वो सब छतरी कपड़ा या कुछ भी ऐसा चीज़ छोड़ना, भूल जाना, ये अच्छी बात नहीं होता है। पैसा खो देना और ऐसा कुछ चीज़ें होता है जो अच्छा नहीं होता है, हमारे रिवाज में कहा जाता है। तो मम्मी गाली दिया, कोई बात नहीं, सुन लिया, क्या करें, गलती है तो कुछ बोल तो नहीं सकता ना। तो दोस्तों यहाँ जो ये ब्लॉगिंग यहाँ पे एंड करना पड़ रहा है मेरे को, और ब्लॉग पसंद है तो लाइक कर देना दोस्तों। चैनल पे ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन कॉल पे कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों वीडियो जो अगर अच्छा लगे तो ये जो ऊपर वाला वीडियो प्लीज़ दोस्तों देख लेना और इसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते आप लोगों से एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। भगवान के आपके दिन शुभ हो, तब के लिए बाय बाय। और जी हाँ दोस्तों, मेरा जो पावर बैंक ये किया था ना, वो भी तो दूसरा मेरा पावर बैंक से दूसरा मोबाइल चार्ज हो रहा है, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा, पता नहीं मोबाइल ख़राब या पावर बैंक में कन्फ्यूज में, पता नहीं, फिर देखता हूँ क्या होता है।